मनमत के चंद शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अगर मैं इमोशनल हो गया तो वहीं पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो शायद मबादा ही इसको मुकम्मल कर पाया। आज कोशिश करता हूँ। मेरे मकसूद भाई की वालदा थी मेरी फूफी जान, अल्लाह उनको करवट करवट नसीब करे और अपने हबीब के सदके तुफैल उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। समाअत करें। ओ माँ के ओ माँ, ओ माँ प्यारे माँ छी माँ के ओ माँ। मैं आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे शोरा आए और नाथ खाने हबीब आए, उनसे उन लोगों ने आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश किया। गर उनका फायदा ये था कि उन्होंने आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा तो इसका फायदा उनको मिला। और आप जब ये सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह की जात पाक है, जब पाक हस्ती का नाम आप लेंगे तो आपकी जबा भी पाक हो जाएगी। अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह कि ओ माँ प्यारी माँ अच्छी माँ कि अब मेरे लिए रोज़े दुआ कौन करेगा। चूंकि माँ चली गई ना, माँ जब होती है जिनकी वो माँ हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ करती रहती है। और यकीनन ये माँ की दुआ का समरा ही है कि हमारे मकसूद भाई अल्लाह का फजल और अपनी माँ की दुआ से आज हिंदुस्तान के जगह जगह जाते हैं और इल्म दीन फैलाने की कोशिश करते हैं और उसका असर भी होता है। समाज करे, चाहे औलाद जितनी भी बूढ़ी हो जाए, 60 बरस की किसी माँ की औलाद हो जाए तो वो माँ के नजर में बच्चा ही होता है, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा होता है। तकरीर करना मेरा काम नहीं, हजरत शाहिद रजा साहब मौजूद है, इंशाल्लाह उनको समाप्त करेंगे हम लोग कि अब मेरे लिए रो मां
रहो माँ मेरी माँ प्यारी माँ। आखिरी शेर समाप्त करें, कैसे अपने बच्चे को माँ पुकारती है कि बाबू मेरा लाल कहा करती थी तू माँ, कि बाबू करेगा अब ये तेरी ममता की कज़ा कौन करेगा। आखिरी शेर के हर लम्हे हारो लाती है, के हर लम्हे हारो लाती है तेरी या ज्यादा वक्त मैंने लिया, इसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।